वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में कोरल ड्रो ट्यूटोरियल के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टूल को, जो कि है हमारा ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को आपस में ब्लेंड करने के काम आता है, कनेक्शन बना देता है उसके अंदर। इसके एग्जांपल के लिए हम एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन सिंपली हम ड्रॉ कर लेते हैं। इनकी आउटलाइन को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। कीबोर्ड से F12 की आपको प्रेस करना है। F12 की प्रेस करने के बाद आप इसकी विड्थ चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद अगर आपको किसी लाइन का कलर चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करते हुए कलर के ऊपर उसका लाइन कलर बदल सकते हैं। अब सपोज इन्हें हम आपस में ब्लेंड करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन करने के बाद हमें यूज़ करना है यहाँ से ब्लेंड टूल। और जैसे ही हम ब्लेंड टूल यहाँ पर चलाएँगे, आप चाहें तो ऊपर से ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि आप प्रीसेट 8 स्टेप चाहते हैं, स्ट्रेट 10 स्टेप चाहते हैं, रोटेशन चाहते हैं। ये सभी बने हुए ब्लेंड टूल का आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहां से ब्लेंड डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शंस के साथ साथ आप इसमें स्टेप्स कितने बढ़ाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी पिक टूल की हेल्प से अगर यहाँ से चेंज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ तक हमारा ब्लेंड वर्क कर रहा है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। कितनी रोटेशन हमें रखना है, रोटेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। आउटलाइन कितना मोटा रखना है, वो यहाँ से हम बदल सकते हैं। साथ ही साथ किस स्टाइल में आपको चाहिए, वो सारी की सारी लाइन स्टाइल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब सपोज़ हम इसका यहाँ से ब्लेंड टूल वापस लेते हुए, इसी ऑप्शंस का यूज़ करते हुए यहाँ से यूज़ करते हैं ब्लेंड डायरेक्शंस का, तो आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्शंस बदल रही है। स्टेप्स कितने बढ़ाना चाहते हैं वो हम यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर ब्लेंड यहाँ पर ऑप्शन है, क्लियर ब्लेंड से जो भी हमने यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल करा है वो क्लियर हो जाएगी, या वापस से आप यहाँ पर ऐड कराना चाहें ब्लेंडिंग को तो इस्तेमाल करा सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच आप ब्लेंडिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से वर्क करता है। आप यहां से कोई भी स्टाइल, कोई भी कलर जो भी अप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते ही आप यहां से ब्लेंडिंग टूल से यहां से ब्लेंडिंग ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर आपको शो होगा किस तरीके से यहां पर ब्लेंडिंग हो रहा है। यहां से आपको क्लॉकवाइज ब्लेंड कराना है, वो सारी डायरेक्शंस वगैरह आप बदल सकते हैं। तो ये था हमारा ब्लेंड ऑप्शंस, जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग टू एंडिंग कितने ब्लेंडिंग ऑप्शंस वहाँ पर आपको रखने हैं, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आज के टूल्स में इतना ही। नेक्स्ट टूल में हम बात करेंगे डिस्टोर्ट टूल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।